नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल रंगीन राह में आप सभी का स्वागत है। रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टार्डम। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट है एक्टिंग क्या है। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि एक्टिंग क्या होती है, एक्टिंग क्या होती है और एक्टिंग का आइडिया या एक्टिंग किसे कहते हैं। एक्टिंग मैं बोला एक्टिंग जो आप हमसे बात कर रहे हो वो भी एक्टिंग है, जो हमसे बात कर रहे हो वो डायलॉग है और आप जो एक्सप्रेशन दिखा रहे हो वो एक्टिंग है। बोले ऐसे नहीं सर, फिल्मों की एक्टिंग और स्टेज एक्टिंग ये सब। मैं बोला हाँ, थोड़ा तो फर्क होता है स्टेज एक्टिंग में। तो स्टेज एक्टिंग में जो करते हो तो वहाँ पे आपको एंड की लास्ट की रो में जो भी आदमी बैठा हुआ है, जो भी दर्शक बैठा हो, उसे आप तक आपकी आवाज़, आपकी एक्सप्रेशन, आपके डायलॉग वहाँ तक पहुँचने चाहिए। तो आपको लाउड होना पड़ता है, लाउड एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं, लाउड एक्टिंग करनी पड़ती है, डायलॉग्स भी और स्टेज पे लाउड एक्टिंग होती ही है। लेकिन फिल्म में कैमरा के सामने ऐसा नहीं होता, कैमरा के सामने माइल्ड एक्टिंग, क्योंकि कैमरा एकदम अगर आपका क्लोजअप लेंगे तो आपको लाउड एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्टिंग क्या है, एक्टिंग में चार स्टेप्स होते हैं। फेस एक्सप्रेशन है, क्या होता है कि आपके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आते हैं वो दिखाने ज़रूरी है। खुशी, दुख, गम, शॉकिंग एक्सप्रेशन, हंसना, तो ये सब फेस एक्सप्रेशन में गिना जाता है। तो सबसे पहले जब भी आप कैरेक्टर करने जाते हो तो उस कैरेक्टर के बारे में आप जानिए क्या क्या है, क्या करता है कैरेक्टर, कैसे बोलता है, क्या उनके कपड़े हैं, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ आप जानिए तो आप उस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से जान पाओगे। और उसके लिए सोचिए थोड़ा, तो सहज एक्टिंग हो जाएगी। सहज एक्टिंग होना बहुत अच्छा है, तो सामने वाला भी कहेंगे कि हाँ रियल एक्टिंग किया। मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं तो कहता हूँ कि सहज एक्टिंग नॉर्मल रहिए, ज़्यादा वे भी मत हो जाइए और जो भी डायलॉग है प्यार से बोलिए, सामने वाले तक पहुँचे, आवाज़ थोड़ी लाउड रखिए। और दूसरा है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन यानी क्या होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है आवाज़ में उतार और चढ़ाव। जैसे कि अमरीश पुरी साहब थे, उनकी आवाज़ जैसे गंभीर एकदम बेस वाली थी, वैसी आवाज़ यानी आदमी देखे बिना, पर्दे पे देखे बिना ही समझ जाएगा कि ये अमरीश पुरी साहब है। यानी आवाज़ ऐसे एक्सप्रेसिव होती, क्योंकि वो भी स्टेज करते थे तो उनको ये आवाज़ की तो पता मालूम था कि आवाज़ का कितना फ़र्क पड़ता है। यानी कोई भी करेक्टर को बताने के लिए आवाज़ की बहुत ही अच्छी ज़रूरत होती है और आवाज़ मेन चीज़ है। उसके बाद जो भी करेक्टर आप करते हो उसकी बॉडी लैंग्वेज आप जानिए। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, उसकी बातों में और वो कैसे बातें करता है, उसके हलन चलन, ये सब आप ध्यान से देखोगे तो उसके लिए बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते हैं कि जैसे चलता है, समझिए कि एक राजा का करेक्टर है वो आप कर रहे हो, तो राजा का एक करेक्टर में क्या होता है, वो रौफ से चलेगा ऐसे, तो अपने आप ही वो एक्सप्रेशन आ जाएंगे, वो चलेगा, अभी चाल ढाल में भी ऐसा ही हो जाएगा। और चौथा है आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट यानी क्या है, सामने वाले से जब भी बोलो डायलॉग आंखों से आंखें मिला के करिए तो आपके डायलॉग्स एक्सप्रेसिव लगेंगे। कभी भी आपने देखा होगा कोई आदमी झूठ बोलेगा तो आंखें उसकी मिला नहीं पाएगा सामने वाले से, तो आंखों में आंखें मिला के बात कीजिए। फिर आंखों से भी एक्सप्रेशन आप दिखा सकते हो, आंखों से भी बात कर सकते हो। तो ये चारों का मिश्रण है यानी एक्टिंग। पहले के फिल्मों में देखते थे दिलीप साहब सिर्फ आंखों से बातें करते थे। बहुत सी बार ऐसा हुआ पृथ्वीराज कपूर साहब के साथ, उन्होंने एक फिल्म की थी मुगले आजम। मुगले आजम में पृथ्वीराज कपूर यानी बहुत ही गहरी आवाज़ के मालिक थे, तो उनके सामने दिलीप साहब सिर्फ आंखों से बात करते थे, वो ज़्यादा डायलॉग भी नहीं थे, सिर्फ आँखों से बातें करते थे। तो यहाँ फिर एक फिल्म आई थी मशाल, जिसमें अमिताभ के साथ में दिलीप साहब थे, तो वहाँ पे भी दिलीप साहब ने अपनी आंखों का बहुत अच्छा कमाल दिखाया। और एक फिल्म आई थी कोहिनूर में, तो गजब का उन्होंने आंखों का इस्तेमाल किया है। यानी आंखों का, आंखों से जो एक्सप्रेशन आप करोगे, यानी चार जो चीज़ है, फेस एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्टेक्ट, वो होना ज़रूरी है।
तो ही आप अच्छी एक्टिंग कर पाओगे। तो ये सब मैं सबके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, तो मेरे वीडियोस देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो लाल बटन है वो भी दबा दीजिए, यानी सबसे पहले आपको मेरी जो भी वीडियो आएगी वो आपको पता चलेगा। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आगे बढ़ते रहिए, ऑडिशन देते रहिए, कहीं ना कहीं आपका ज़रूर नंबर लग जाएगा। थैंक यू।